आपसी रंजिश के चलते दो मित्रों ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार कर उसकी लाश कुएं में फेंक देने का मामला इमामवाड़ा थाने में दर्ज किया गया है। मृतक राम सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का निवासी बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मामले का पर्दाफाश कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक राम सिंह ठाकुर मूलतः मध्य प्रदेश के सिवनी जिले वर्तमान में नागपुर निवासी का बताया जा रहा है। वह टाइल्स फिटिंग का काम करता था, जबकि आरोपी उसी के मित्र राजू बुराड़े और मुकेश अंबारे हैं। 4-5 वर्ष से राम सिंह नागपुर में रह रहा था और रोजी रोटी की तलाश में नागपुर आया हुआ था। कुछ दिन किराए के कमरे में रहा और काम नहीं मिलने पर उसने किराए का कमरा खाली कर दिया। इसके बाद वह फुटपाथ पर ही रहने लगा। कुछ दिन पहले ही किसी बात को लेकर उसका राजू से विवाद हुआ था। इसी दौरान उसने राजू की पिटाई भी कर दी थी और राजू ने यह बात अपने मित्र मुकेश को बताई। इसके पश्चात दोनों ने ही मिलकर लकड़ी से वार कर उसे 11 नवंबर की रात मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं तो सबूत नष्ट करने के इरादे से सरदार पटेल चौक में एक सूखे कुएं में राम सिंह की लाश भी फेंक दी गई। आज सकाळी पोलीस स्टेशन इमामवाड़ा येथे आम्हाला एक गोपनीय खबर मिळाली की सरदार पटेल चौक च्या जवळील एक जुना खंडर आहे, त्या खंडरमध्ये एक कोरडी विहीर आहे, त्या विहिरीमध्ये एक डेड बॉडी असल्याची माहिती भेटली। माहिती भेटल्याबरोबर आमच्या पोलीस स्टेशनचा स्टाफ ताबडतोब तिथे रवाना झालं। स्पॉटवर पाहिलं असता तो इसम म्हणजे प्राथमिक दृष्ट्या आमच्या लक्षात आलं की काहीतरी, कारण त्याचं जे शर्ट होतं ते रक्तानं माखलेलं दिसलं। त्यावरून आम्ही कयास लावला की काहीतरी घातपात झाला असण्याची शक्यता आहे। त्यावरून आमची तपासाची सगळी चक्र आम्ही ताबडतोब फिरवली। आजूबाजूचे जे काही लोक होते त्या परिसरातले त्यांच्याकडनं माहिती घेतली, पण काही ठोस माहिती भेटत नव्हती आणि तो मृतक कोण आहे याचं नावगाव त्याला ओळखत पण कोणी नव्हते। मग सरतेशेवटी आम्ही ते बॉडी जेव्हा बाहेर काढली त्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की तो व्यक्ती एक टाईल्सचं काम करणारा लेबर आहे आणि त्याचं नाव वगैरे आम्हाला भेटलं, रामसिंग ठाकूर म्हणून। तो त्या खंडरमध्येच राहायचा बरेच दिवसापासून आणि आपलं आता त्याची राहण्याचे ठिकाण नसल्यामुळं तो त्या खंडरमध्ये राहायचा आणि दारू वारू प्यायचा संध्याकाळी। मग नंतर आम्ही सगळे काही सोपस्कार पूर्ण केले आणि आरोपीच्या शोधाच्या मागे लागलो। आमची DB टीम आणि आम्ही स्वतः सगळे अधिकारी, पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस साहेब आणि सगळ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन घेतले व त्यानुसार आम्ही तपासाची चक्र फार वेगात फिरवली। त्यावरून आम्हाला 2 आरोपी मिळून आले। आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत। अनोळखी मृतदेह ओळखी करून आम्ही 24 तासाच्या आत मृतक मारेकऱ्यांचा शोध लावला आणि पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलेला आहे। पुढील तपास वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनातून सुरू आहे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया है। NBC न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।